लुधियाना पुलिस ने हाईवे पर वाहन लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे साथी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इन हाईवे लुटेरों ने पिछले महीने 30 सितंबर को सानेवाल के पास रेड मैंगो के बाहर न्यू दिल्ली के निवासी से रात के समय पिस्तौल दिखाकर उसकी वर्ना कार लूट ली थी। ये अपराधी पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। ये एक दशहरे वाली रात को 12:15 बजे चार जनों ने रेड मैंगो जो सानेवाल एरिया में पड़ता है होटल, उसके बाद दिल्ली का प्रवासी था, दिल्ली का रहने वाला था, उससे इन चारों ने गन पॉइंट पे 32 बोर दिखा के गाड़ी छीनी थी। इसमें एडीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, CA12 की स्पेशल टीम लगाई गई थी, जिन्होंने ये मेन जो एक्यूज्ड हैं तीनों अरेस्ट किए हैं, गाड़ी भी रिकवर कर ली है। और इसमें जो एक साथी है इनका, मनप्रीत सिंह पटवारी, वो अभी फरार है। उस पर पहले ही 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसको हम रेड करके पकड़ रहे हैं। इसकी कंटिन्यूशन में ही एक CA1 ने 2 किलो OPM जो बिहार का रहने वाला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ पे किराए पे रहता है, और ये बिहार से अफीम लेके यहाँ सस्ते रेट पे बेचता था। ये सर पटवारी जो आप बता रहे हो, बेसिकली पटवारी है उसका नाम? नो, उसका नाम पटवारी है, पीछे पटवारी, पटवारी नहीं एक्चुअली, नाम जैसे। इन्होंने जो नशे करते हैं लड़के, इन्होंने आगे कोई वारदात करनी थी, वो हम इनको रिमांड पे लिया, और क्या क्या इन्होंने वारदातें की हैं वो डिटेल में बाद में बताएंगे। सर ये कहाँ से लेते थे नशे वगैरह, जैसे आप बोल रहे हैं वो डिटेल में इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल में जो जहाँ से लेते थे वो भी उन पे भी रेड किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा। लुधियाना से जागृति लहर के लिए हरजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।